प्रकाश है और ये है हमारा छोटी सी प्यारी सी, इसका नाम है कि काली। काली दोस्तों ये देखिए, ये आपको पेड़ दिख रहा है ना, इसमें जो घास लगा रखा है। कि ये है, ये इस तरह के कुछ दाने, और इनके जब छिलके अलग चले जाते हैं ना, तो ये एकदम, ये देखिए ये है चने, चने मतलब नॉर्मल काले चने, काले वाले चने। हेलो दोस्तों, सबसे पहले फिर आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मैं संगीता स्वागत करती हूँ आपका आज के डिप्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम फिर फिट होंगे। तो दोस्तों आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और हम जा रहे हैं घास के लिए, और दीदी भी जा रही है घास के लिए, दीदी जा रही है काटने वाले घास के लिए, और हम जा रहे हैं पेड़ पे जो हमने घास को टंगा रखा है, पेड़ पे जो घास लगा रखा है उसको लेने के लिए। साथ में मम्मी जी भी, और आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये छोटी सी क्यूटी सी हमारी भेड़, भेड़ यानी कि हमारी गढ़वाली भाषा में इसको बोलते हैं खाडू। ये है खाडू बच्चा, छोटा सा प्यारा सा, ये देखिए कहाँ जाएगा हमारे पास इतना था, ये ये देखिए क्या तुम्हारे अग्नो रखे नहीं रे, इधर काली काली काली। ये देखिए, ये है मेरी मंजू दीदी, मेरी बुआ की लड़की। हम दोनों बहनें जो है इधर ही मान दो सॉरी मल्ला गांव में ससुराल है। तो दीदी का मायका तो वैसे सेड़ क्या बोलता था खाली साल्ट गांव से, और मेरा है मानपुर गांव से, और ये है हमारा छोटी सी प्यारी सी, इसका नाम है कि काली। काली जाओ जाओ चल 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 ना। तो दोस्तों दीदी और चले गए हैं इस रास्ते, और मुझे जाना है इस रास्ते, ये देखिए। तो दोस्तों आज भी जो है मौसम बहुत ही खराब हो गया है, बारिश वाला हो रखा है, मतलब वैसे तो बारिश हो रही है। ये देखिए मैंने छाता भी करा हुआ है इमरजेंसी के लिए। तो बताया जा रहा है कि अभी 5-6 दिन लगातार बारिश होगी, और अच्छा हुआ कि हमारे गेहूँ निकल गए, और अब बारी आती है घास लाने की। तो घास है ना हमने ऊपर पेड़ में लगा रखा है, तो पेड़ से पहले नीचे डालेंगे, फिर भारा लगा के फिर अपनी छान भी लाएंगे। और बहुत दूर है, ऊंचाई पे है, मतलब चढ़ाई पे है, अभी मैं देखो चढ़ाई पे जा रही हूँ। ये देखिए रास्ता, और बारिश होने की वजह से ना हमें 2-3 भारे लाने पड़ेंगे इकट्ठे, क्योंकि बारिश हो रही है फिर बार बार ना पेड़ों पे नहीं चढ़ा जाता है, क्योंकि पेड़ों में फिसलन हो जाती है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको थोड़ा आज का मौसम का नज़ारा। और ये देखिए अभी ना भाग भाग के मेरा किटू भी आ गया, इसने शायद ना मुझे देख लिया होगा कहीं से, तो ये आ गया। किटू किटू पकड़ किटू, भाग भाग, अरे भाग। हाँ दोस्तों ये देखिए, ये आपको पेड़ दिख रहा है ना, इसमें जो घास लगा रखा है, ये वाला घास हमारा है। तो इसपे ना ये पेड़ है ना बहुत टफ जगह पे है, मतलब यहाँ से चढ़ा नहीं जाता है, पहले ऊपर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से ऐसे पैर रख के फिर इस पर चढ़ा जाएगा शायद। नहीं वैसे मैंने बहुत बार डाल रखा है, लेकिन क्या पता बारिश की वजह से फिसलन हो गई होगी। तो चलिए ये देखिए, ये है ये पेड़ किटू। चप्पल
ये है दादी जी। ना घास जो है मैंने डाल दिया है, और अभी ना मेरे लिए दादी जी और उन्होंने बोला कि इनका भी घास डाल देना है, क्योंकि दादी जी की बस की नहीं हो रही है डालने की। तो ना अभी उधर जाना है मुझे, ये देखिए अभी मुझे और ऊपर जाना है, और ये देखिए गांव जो है हमारा बहुत नीचे रह गया है। तो चले पहले दादी औरों का घास भी डाल देते हैं, फिर जाएंगे उसके बाद घर, फिर दिखाएंगे आपको हम अपना। बिलावा आसमान जन चढ़ी बारे दिखा आसमान जन चढ़ी तांगी तांगी देते हैं। आहा तब जो देते डाल पहले अलग रखो। अकड़े भी तांगी तो काटी बता। ये हो क्यों पर आ जाओ ना हो कि पर आन दे। पर आ जाओ ना अरे आ ये देखिए अभी आ गई हम अपने भारे के यहाँ पे, और पहले दादी औरों का घास डाला, पहले खुद का घास डाला, फिर दादी औरों का घास डाला, फिर चाची भी ली, फिर चाची ने भी बोला कि मेरा भी डाल दे। तीन पेड़ पे चढ़ चढ़ के ना एकदम छाती में और पेट में ना सीधे दर्द होने जाने लगता है। तो चलिए ये देखिए बारिश भी होने लग गई है और मैं ना भीग भी गई हूँ। तो रास्ता ना कैसे किच पिच हो रखा है बारिश की वजह से, ये देखिए देखिए। मुझे ना ये बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, छी परेशान हो गए हम इस बारिश से। सारे लोगों के गेहूं भी खराब हो गए और सारी फसल ही खराब हो गई। तो दोस्तों हम फिर से चले गए हैं अपने काम पे, क्योंकि अभी ना बारिश थक गई है और मौसम थोड़ा साफ होने लग गया है। ये देखिए ऊपर बादल हट गए हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं अपने चने दाल के लिए और मसूर दाल के लिए, और साथ में है मेरी ननंद भी, और हम खा रहे हैं अभी आरू, एकदम मीठे मीठे। देखिए अभी आ रखी हूँ मैं अपनी अपने खेत में दाल लगाने के लिए। ये देखिए ये है मसूर दाल, और गढ़वाली भाषा में हम इधर बोलते हैं पेत इसको। और ये मसूर दाल वही है जिसको हम बलका की दाल भी बोलते हैं। ये देखिए इसके ना वैसे छोटे छोटे पौधे ही होते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही छोटी है, क्योंकि इस बार ना बारिश के मौसम की वजह से बहुत मतलब सब कुछ ख़राब हो गया था। तो ना और जो कुछ आया भी था वो सारे परसों है ना, परसों इतनी खतरनाक बारिश हुई कि उसमें ना बहुत वाइट क्या बोलेंगे उसको, ओले, और हमारे पहाड़ी भाषा में उसको बोलते हैं ढांडो,
वो हुआ ना, तो जिसकी वजह से ये सारे झड़ गए और वो बहुत ही नुकसानदायी होता है हमारे खेतों के लिए। तो ये देखिए, ये है ना, यही है वो पेत दाल। ये देखिए ऐसे दाने होंगे ना ये भाई। तो दोस्तों ये देखिए, ये है ये इस तरह के कुछ दाने, और इनके जब छिलके अलग चले जाते हैं ना तो ये एकदम से रेड हो जाती है, जैसे मलका की दाल होती है। तो यही है ये मसूर दाल, जिसकी मलका बन जाती है फिर बाद में, और इसको जांदड़े पे घिस के फिर हम इसके छिलके हटाकर फिर इसकी दाल बनाते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह है, ये जो आपको झूमर दिख रहे होंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये है चने, चने मतलब नॉर्मल काले काले वाले चने हैं। तो ये देखिए, अभी हम दूसरे वाले खेत में आ गए थे, क्योंकि वो वाला उसके बाद फिर हम दूसरे गए। ये अभी मेरा चौथा खेत है जहाँ पे मैं अभी आई हूँ। और ये देखिए, ये पूरे है ना ढालू ने ना पूरे मतलब लिटा रखे। और ये चने है ना, चने खाने के लिए आता है भालू। ये देखिए, तो अभी मैं ना स्पीड में लगी है थोड़ा, क्योंकि इधर ना आजकल कोई है भी नहीं। ये देखिए, ये है हमारा नया वाला घर, छोटा सा घर, और ये घर के पास वाला ही खेत है हमारा। तो ये देखिए, ये देखिए, बारिश रो गए और हम पूरे भीग भी गए। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, हालत खराब हो गई। हेलो दोस्तों, ये देख सकते हो आप यहाँ पे बारिश हो रही है, और ये दोनों भाभी और इनके पीछे भी एक एक है, और ये हाथ पे बिला रहे हैं। एक्स्ट्रा लाया आज हमने, आ गई हमारी एक भालू को ले लेके।